पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी का जो मेन करेक्टर है वो है जैक स्पैरो और डेवी जोन्स। और जैसा आप सभी को पता ही है कि इस मूवी में जो डेवी जोन्स हैं वो विलन हैं और बहुत ही अल्टीमेट करेक्टर है उनका इस मूवी में। और आज हम बनाएंगे डेवी जोन्स का ही एक पोर्ट्रेट, बट मैंने कुछ चेंजिंग की है डेवी जोन्स के करेक्टर में। एक्चुअली एक हॉलीवुड मूवी और थी जिसमें करेक्टर था मरूसा, और मैंने मरूसा और डेवी जोन्स दोनों करेक्टर को कंबाइन करके मैंने एक करेक्टर तैयार किया है, और डेवी जोन्स का फेस लगाकर और जो मरूसा थे उनका वो स्नेक्स यूज़ करके उसमें। और ये पोर्ट्रेट हम ऑयल कलर के साथ बनाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कैनवस हम कैसे तैयार करते हैं, और मैंने कैनवस से तैयार करने के बाद मैंने स्केल लगा ली है और ड्रॉ भी कर लिया है। मेन जो करेक्टर थे हमारे उसको मैंने ड्रॉ कर लिया है, बाकी जो हमारी ड्राइंग होगी वो मैंने फ्री हैंड ही करनी है ड्राइंग। और जो डेवी जोन्स हम करेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, सबसे पहले हमने चारकोल के साथ या फिर आप पेंसिल के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, और ड्रॉ करने के बाद इसको हमने ब्राउन कलर के साथ जो ऑयल कलर है हमारा ब्राउन कलर जो शेड है उसके साथ हमने ड्रॉ करना है इस पूरे करेक्टर को। ब्राउन कलर हमने इसलिए सेलेक्ट करना है क्योंकि ब्राउन कलर के ऊपर हम लाइट और डार्क कलर दोनों कलर चला सकते हैं, इसी वजह से मैं मोस्टली ब्राउन कलर यूज़ करता हूँ ड्रॉ करने के लिए। और वीडियो को ध्यान से देखिए तभी आपको इसकी कलर स्कीम जो है वो पता चलेगी कि कैसे हमने लाइट से डार्क और डार्क से लाइट कलर लगाने हैं और मिक्सिंग करने हैं, कौन कौन से कलर हमने मिक्स किए हैं। तो फिर चलिए आप वीडियो देखिए और अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।